आया था। इस मौके पे हम अपने सभी मजदूर संगठन के नेताओं और आप तमाम मजदूर साथियों और तमाम नागरिकों को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई देते हैं। साथ ही साथ 26 नवंबर को मुंबई में जो आतंकवादी घटना हुई थी, जिसमें हेमंत करकरे सहित कई पुलिस कर्मियों की शहादत हुई, आम लोगों की जानें गई, उनके प्रति उस दर्दनाक शर्मनाक कार्रवाई के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ जो हमारे देश के जवानों की शहादत हुई, उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। आज संविधान दिवस के मौके पर पूरे देश के मजदूरों ने और पूरे देश के किसानों ने आम नागरिकों के समर्थन से पूरे देश में मजदूर कानूनों के द्वारा कानून के नाम पर जो मजदूरों के अधिकारों को छीना गया है, किसान बिल के नाम पर जो किसानों के अधिकारों को छीना गया है, उसके खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। और इस मौके पर विभिन्न मजदूर संगठन के लोग, किसान संगठन के लोग और विभिन्न राजनीतिक पार्टी के लोग समर्थन में पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल हुए आप तमाम लोगों को हम हार्दिक बधाई देते हैं और विशेष रूप से इस बात की बधाई देते हैं कि परीक्षा का ध्यान रखते हुए, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं हो रही हैं और शादी विवाह का वक्त है, उसको ध्यान को रखते हुए कि आम लोगों को तकलीफ भी ना हो और हमारी आवाज़ भी सरकार तक पहुंचे, ये प्रदर्शन आपने किया, इसके लिए विशेष धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और आखिरी बात बोल करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि अभी देश भर के किसान, 500 से ज़्यादा किसान संगठन दिल्ली के बॉर्डर पे जमा हैं और राज्य की सरकारों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी उतारा गया है। और आप देखिए कि जिन किसान के बच्चे सीमा पर शहीद होते हैं, उन किसानों के खिलाफ ही उनके बच्चों को भड़काया जा रहा है, जवान और किसान को आपस में भिड़ाने की कोशिश की जा रही है। जिनके बच्चे सीमा पर शहीद होते हैं, उनके पिताजी, उनके भाई खेतों में शहादत दे रहे हैं, ये जवान और किसानों को भिड़ाने की जी सरकार की साजिश है। संविधान दिवस के इस मौके पे जहां देश को जरूरत है कि जय जवान जय किसान और जय संविधान के नारे को बुलंद किया जा सके, उस देश में किसानों को और जवानों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। और जिनके बच्चे गोलियां खाते हैं, उनके ऊपर वाटर कैनन चलाया जा रहा है, इस सर्दी में सरा हुआ पानी उनके ऊपर डाला जा रहा है। हम लोग तमाम राजनीतिक दल के लोग, तमाम मजदूर संगठन के लोग, किसान संगठन के लोग और देश के आम छात्रों, विद्यार्थियों, नौजवानों की तरफ से, महिलाओं की तरफ से इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं और किसानों के पक्ष में ये कहते हैं, आज हड़ताल कल हड़ताल, आज हड़ताल कल हड़ताल, ना माने तो डेरा डाल, इस सरकार के खिलाफ अपने न्याय और अधिकार के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश उसको, हाँ वो लोग हैं, टेंशन मत लीजिए, वो लोग हैं, आपका कर लेंगे, फिर भी अपने तरफ से लड़ रहा हूँ ना, ना वो लोग टीम है ना। कन्हैया कुमार जी, आप रुकिए रुकिए, इसका
झंडा मुंह पे जा रहा है सही जान गई थी। अरे ऊपर चल जाता है सर, और उस घटना की कड़ी निंदा करते हैं, साथ ही आप सब लोग जानते हैं और 27 नवंबर को पूरे देश के मजदूर और किसान नए कानूनों के नाम पर जो किसानों के अधिकारों के मजदूर के समर्थन में यह प्रदर्शन पटना में आयोजित की गई है। विभिन्न संगठनों के द्वारा, विभिन्न मजदूर संगठनों के द्वारा, देखिए हम लोग यही नारा लगाते हैं, आज हड़ताल कल हड़ताल, ना माने तो डेरा डाल। हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ने वाले लोग हैं, हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये समय की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि न्याय के लिए, अपने अधिकार के लिए अपनी आवाज़ को हम लोगों को बुलंद करते रहना चाहिए। जब अंग्रेजों को 200 साल की गुलामी के बाद देश की जनता इकट्ठा होकर के भगा सकती है, तो ये तो हमारी चुनी हुई सरकार है, सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। महिलाओं की मांग हो, मजदूरों की मांग हो, किसानों की मांग हो, विद्यार्थियों की मांग हो, उस सवाल पे सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी। भैया जी, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हर तरफ मोदी मोदी है। अच्छा, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं। देखिए आज मजदूरों का है और आज किसान संगठनों ने भी दिल्ली चलो का नारा दिया है, कल किसान संगठनों का है। किसान संगठनों ने कहा है कि सरकार या तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने दे, हमारी मांगों को माने और कानून के सुधार के नाम पर हमारे अधिकारों को ना छीने। अगर सरकार नहीं मानेगी तो आज हड़ताल कल हड़ताल, ना माने तो डेरा डाल। किसान डेरा डालेंगे और किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, किसान के ही बच्चे सीमाओं पे खड़े होकर के देश की रक्षा करते हैं, और आज उन्हीं जवानों को जो किसान परिवार से आते हैं उनके ऊपर वाटर कैनन चलाने के, उनके ऊपर डंडे चलाने के आदेश दिए गए हैं, ये किसानों को और जवानों को आपस में भिड़ाने की साजिश है। और संविधान दिवस के मौके पे एक बार फिर से हम उस नारे को याद करते हैं, जय जवान जय किसान जय संविधान। देखिए आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। देश में जिस तरीके से अलग अलग वर्ग समुदाय के लोगों के अधिकारों के ऊपर हमला किया जा रहा है, हम तमाम लोगों को अपनी सुख सुविधा को छोड़ करके सड़कों पर उतरना पड़ेगा। कहा जाता है, बहुत सारे लोगों ने यह बात कही है, संसद की कार्रवाई तभी ठीक होती है जब सड़क पर जनता होती है। सत्ता पक्ष के लोग बार बार ये बात कह रहे हैं कि बिल किसान के हित के लिए, वे बिल के मदद से कहीं भी अपना फसल बेच सकते हैं। देखिए तो किसान किसान सिर्फ एक बात कह रहे हैं, देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं, देश ने उनको बहुत प्यार किया है, वो कहते हैं कि वो किसान के हितैषी हैं, तो यह बात लिख देने में क्या समस्या है उस बिल में कि अगर MSP से कम पर खरीद होगी तो उनके ऊपर जो लोग खरीद करेंगे कार्रवाई की जाएगी, ये एक लाइन लिख देने में क्या समस्या है। किसान सिर्फ इतना मांग कर रहे हैं कि नई व्यवस्था हो या पुरानी व्यवस्था, हमारे साथ जो शोषण होता है, हमारे फसल का जो उचित दाम नहीं मिलता है, उन उसको सुनिश्चित किया जाए, लेकिन बिचौलियों को खत्म करने के नाम पर जो छोटे बिचौलियों हैं उनको तक समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन देश का जो सबसे बड़ा बिचौलिया है, जिसका हाथ देश के प्रधानमंत्री के कंधे पे है, उसके हितों को सुरक्षित कर दिया जाएगा, इसीलिए किसान सड़कों पर उतरे हैं। कन्हैया जी, दिल्ली को किलेबंदी कर दी गई है, हरियाणा पंजाब के किसानों को दिल्ली मार्च के लिए घुसने नहीं दिया जा रहा है।